अपनी संपन्नता बढ़ाने के दृष्टिकोण से हुआ, क्योंकि यूरोप के जो जो देश थे वो गुलाम देश नहीं थे। वो उस वक्त राष्ट्रीयता का उदय हुआ जब उन्होंने दूसरे देशों की कॉलोनी पर अपना कब्जा स्थापित किया था, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपने साम्राज्य को, अपने बाजार को मजबूत करने के लिए इस राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा राष्ट्रवाद उस परिप्रेक्ष्य में हुआ जब जो देश परतंत्र थे, जो देश गुलाम थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो उन देशों से अपनी आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहे, उसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तीसरा जो परिप्रेक्ष्य है जो राष्ट्रवाद का, वो ये है कि आज जब आज़ाद हो गए, हम जब आज़ाद हो गए तो हम कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रवाद क्या है, किस तरह का राष्ट्रवाद। जैसे आप कॉलेज से 3 साल के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप जाते हो, हम आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, उस पर लिखते हैं ना गुड। वैसे ही इस देश का जो है करेक्टर जो है, राष्ट्रवाद का मतलब है कि इस देश का जो करेक्टर है वो बहुत स्वच्छंद और बहुत उत्तम किस्म का होना चाहिए, और उस करेक्टर को बनाने में हमारे युवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सबका होना चाहिए। वो चीज़ें आप देख रहे हो, यानी हम ये कहें कि आज जो है बहुत तरह तरह की निगाह, अगर आप अखबार उठा करके देखते हो तो देखो किस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। मतलब निराशा हाथ लगती है, कहीं रेप के केस आपके सामने आएंगे, कोई डकैती के केस आएंगे, कहीं आपको मर्डर के केस आएंगे, कहीं आतंकवादी घटनाओं से संबंधित आएंगे, और सबसे बड़ा तो जो है जो मिलावटखोरी जो है इस देश में, मिलावटखोरी यानी कोई भी चीज़ जो है, आज डर सबसे बड़ा ये लगता है कि कोई चीज़ ओरिजिनल ही नहीं है, हर चीज़ में मिलावट करके बेची जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, इसलिए कोई चीज़ जो है वो रही नहीं। तो किस तरह का देश हम बना रहे हैं, किस तरह का करेक्टर इस देश का जो है, यानी लोग जो है, राष्ट्र क्या है कि एक धरती है, अगर उसमें लोग नहीं रहेंगे तो वो तो जंगल है, उसको राष्ट्र नहीं कहते। राष्ट्र तभी बनता है जब वहाँ लोग वहाँ बस करके एक देश का निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर उन देशों के साथ इस तरह, लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा, अगर हमारा ये करेक्टर है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए आज सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि हमारा जो एथिक्स है, हमारे जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य है हमारे, राष्ट्र के प्रति हमारी जो है क्या समझ है, हम किस तरह का राष्ट्र बना रहे हैं, हम किस तरह की एक ईमानदारी से हम कैसे अपने को इस देश के प्रति एक जागरूक नागरिक की तरह हम अपना अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये बड़े गंभीर विषय है, मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ। तो कुछ बातें तो ये हैं, दूसरी बातें जो है, जहाँ तक सवाल है कि जो युवा है उसका योगदान क्या है, कैसा होना चाहिए योगदान। एक पहली क्लास से लेकर के, और एक विद्यार्थी जो है वो यूनिवर्सिटी में जाता है, करीबन वो 25-30 साल तक वो विद्यार्थी जो रहता है अपने जीवन में, तो कहाँ जो है उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की प्रेरणा मिलती है, उसका योगदान जो है क्या, राष्ट्र के निर्माण में उसकी जो भूमिका है उसमें सकारात्मक रूप से देखी जा सकती है, क्या आप पढ़ते हो, तो ये होना जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यूथ जो है इस देश के अलग अलग जो घटक है, जो मेहनत कश वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो कमजोर तबका है, जो संघर्ष कर रहा है वैसा तबका, उसके बारे में आपकी क्या समझ है, क्या आप उनके प्रति अपना सहयोग देते हैं, क्या आप उनको अपनी, उनके संघर्ष में आपकी कोई भागीदारी होती है। यानी भारतीय समाज पूरी विषमताओं से भरा हुआ है,
उस विषमताओं को दूर करने में आपकी क्या भागीदारी है? राष्ट्र तो तभी बनेगा ना मजबूत, जब उन विषमताओं को दूर करने में हमारी एक, हम जागरूक रहे, हम उस चीज को रोके, वो गलत काम हो रहा है उस चीज को रोके, वो भी बहुत बड़ा आपका रोल होगा। आप देख रहे हो कोई गलत काम हो रहा है, किसी के साथ बदमाशी हो रही है, और कोई लड़की है कॉलेज में, कोई दो चार बाहर से आकर के कुछ ईव टीजर हैं या बदमाशी कर रहे हैं, अगर आप आंख बंद करके अवॉइड करके चले जा रहे हो तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो, आप अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहे। गलत काम को आप रोकिए, आप आवाज़ उठाएंगे तभी तो वो आवाज़ मजबूत होकर के उस चीज़ का पूरे यूथ में असर जाता है कि भाई ये बात हमें भी जो है। कल मैं पढ़ रहा था, देख रहा था टीवी पर कि सबसे सुंदर शहर हिंदुस्तान में कौन सा है, उसमें वो दिखा रहे थे कि इंदौर जो है ना वो सबसे सुंदर शहर है, और इंदौर शहर इसलिए सुंदर नहीं है कि वो वहाँ का प्रशासन बहुत जागरूक है, सरकार बहुत ध्यान देती है, इसलिए नहीं है। वहाँ हर नागरिक के दिमाग में ये है कि हम अपने शहर को गंदा नहीं होने देंगे। वो एक आदमी साइकिल पर जा रहा है और रोक करके साइकिल को रोक करके उस कूड़े को उठा करके ले जा रहा है, दिखा रहे हैं। वो कार में जा रहा है, वो एक थैला पड़ा हुआ, वो थैला अपनी डिग्री में डाल के ले जा रहा है। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें पैदा करना है। अगर ये हमें ये इस तरह की भावना, इस तरह की समझ एक हमारे दिमाग में बनती है तो हम एक बहुत अच्छा एक नागरिक बन सकते हैं। अच्छा नागरिक की पहचान ये भी है कि हम दूसरे के को अतिक्रमण न करें, दूसरे के अधिकार में हम हस्तक्षेप न करें, दूसरों को भी आप जीने दो स्वतंत्रता से। आप अपने अपना विकास इस तरह से करें कि दूसरे की कोष्ठ पर नहीं। इसलिए जब हम युवाओं की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं इतिहास की बात कर लूं कि बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ इस धरती पर जो युवाओं की तरफ से, वो हुआ था चाइना में 1919 में। चाइना में पेकिंग यूनिवर्सिटी के, शंघाई यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरी चाइना को पैरालाइज कर दिया था, और उसका असर ये हुआ कि पूरी चाइना में जो स्टूडेंट मूवमेंट था वो इतना मजबूत उभर के आया। क्यों हुआ? क्योंकि 1919 में क्या होता है कि वहाँ जो 1915 वहाँ जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थे उन्होंने जिस तरह की संधियाँ चाइना के ऊपर थोपी, वहाँ के जो शासक थे चाइना के जो इंटरनल, उन्होंने उन पर संधियों पर दस्तक कर दिए थे, तो उसको लेकर के जो वहाँ का छात्र वर्ग था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हुआ, बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ को लेकर के अपना कि भाई ये तो हमारा वजूद ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, तो उसको लेकर के पूरे चाइना में उन्होंने आंदोलन किया, और उस आंदोलन की आवाज़ यहाँ तक उठी कि जो इंग्लिश कंट्री जो संधि करने वाले जो पॉलिटिशियन जो वहाँ चाइना के भागी का जो फैसला कर रहे थे उनको वो शर्तें बदलनी पड़ी, वो शर्तें बदलनी पड़ी और उनको बातें माननी पड़ी, और उसके बाद में चाइना में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। बड़ा एक आंदोलन जो है, मतलब पूरी तरह से एक दिशा ही बदल दी स्टूडेंट मूवमेंट, उसका असर हमारे हिंदुस्तान में भी। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह से, इससे जब आप युवाओं की बात करोगे तो सबसे पहले भगत सिंह की बात करोगे, एकदम आपके माइंड में भगत सिंह आएगा। वो 22-23 साल का लड़का जो है, अगर आप उसकी चिट्ठियां पढ़ोगे, उसके पत्र पढ़ोगे, उसके द्वारा लिखे हुए जो है बहुत सारे जो है जो चिट्ठियां पत्र जो अपने साथियों को उन्होंने लिखे थे वो कंपाइल करके किताबों के फॉर्म में है। एक हमारे मित्र हैं चमन लाल जी, प्रोफेसर JNU में, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। जब हम JNU में पढ़ते थे तो उस वक्त हमें भी पढ़ने के लिए उनका एक लेख दिया जाता था, वाई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। उन्होंने लाहौर में जब वो फांसी टूटने वाले थे तो लाहौर में उनको बंद कर दिया गया था जेल में, तो वो जेल में उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेख लिखा कि मैं नास्तिक क्यों,
और वो लेख उसने जो है वहां के जेलर को दिया कि ये मेरी ये इच्छा है। उन्होंने पूछा आप भाई, मेरी ये इच्छा है, ये मेरा लेख छपना चाहिए। वो लंदन टाइम्स में छपा और उसके बाद में वो हिंदुस्तान में बैन हो गया। तो वो जो लेख जो है, हमारे एक प्रोफेसर बिपिन चंद्रा थे, पढ़ाते थे हमें हिस्ट्री, वो जो है जब वो जो इंडियन जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वहाँ पर वो लेख उनको मिला और उसके बाद जो है वो लेख उन्होंने छापा। तो उस लेख को पढ़ने के बाद भगत सिंह क्या था, तब उसकी एक पिक्चर सामने आई कि भगत सिंह तो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी सोच का आदमी था। भगत सिंह ऐसे नहीं था कोई यूथ को कॉलेज का जो है, भगत सिंह जो है 22-23 साल में उसकी कितनी परिपक्वता, कितनी मेच्योरिटी का वो मतलब सोच का आदमी था, ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़े रिच घर से था, अमीर घर से था, गरीब घर से नहीं था, अकेला बेटा था। कितना मतलब उसकी घर वालों पर माँ पर कैसी गुजरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जुनून क्या था, और वो जुनून गजब का जुनून था। क्योंकि वो लिखता है कि मेरी आंखें तब खुली जब सोवियत यूनियन में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है उसने जिस तरह से देखा कि कितना जबरदस्त मतलब एक बदलाव आया। असली क्रांति तो ये होती है जिसमें गरीब अमीर का कोई असमानता खत्म कर दी। तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ था। वो लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं कि मुझे माफ करना, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं इसलिए उस सर्वशक्ति ईश्वर की सत्ता को मैं इसलिए नहीं नकार रहा हूं कि मैं घमंडी हूं, इसलिए नहीं हूं, लेकिन मेरी कुछ साधारण मेरी भावनाएं हैं, मेरी सोच जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है कहाँ। हमारे पर इतना ज़्यादा ज्यादती होती है, अंग्रेज हम पर इतना ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, तो वो ईश्वर हमारी रक्षा में आते क्यों नहीं। अगर आप ये कहो कि भाई वो तो ईश्वर की लीला है, तो मैं फिर ये कहूँगा कि वो तो फिर नीरो है जो रोम को जलते हुए छत पर देख रहा था चटके। और अगर लीला है तो वो भी हमारी तरह, वो भी बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं उस सर्वशक्ति ईश्वर की सत्ता को मैं नकारता हूँ और मैं नास्तिक हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि जैसे मेरे फांसी का फंदा जैसे डाल दिया जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। एक हिंदू तो इसलिए खुश होता है कि वो ईश्वर दूसरे जन्म में विश्वास करता है कि दूसरा जन्म मिलेगा और अच्छा बन करके आएगा, क्योंकि मैं देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ। और मुस्लिम एक जन्नत की कामना करता है। मैं इनमें विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूँ कि एक मिनट के बाद मेरे फांसी का फंदा, उसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन मैं मरने से पहले मैं अपने यूथ को ये बता देना चाहता हूँ, हम शोक से नहीं मर रहे हैं, हमें कोई उत्साह नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इस देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। हम इस देश के प्रति ये बताना चाहते हैं कि इस देश का जवान जो है वो गैर जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार है। मेरी जगह कोई और भी मरने के लिए तैयार था। दूसरे लोग भी कह रहे थे कि भगत सिंह आपको नहीं जाना, दूसरे आएंगे। ये बम फेंकने के लिए पार्लियामेंट में उसको पता था कि वापस नहीं आना है, ब्रिटिशर जो उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद जो इंजाम क्या होगा वो फांसी का ही होना है। और फैसला लिया गया था उनके संगठन ने कि भगत आपको नहीं भेजेंगे हम, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं ही जाऊँगा। मैंने ये फैसला जानबूझ के इसलिए किया कि आने वाला इतिहास ये याद करेगा कि इतनी बड़ी, इससे बड़ी कुर्बानी युद्ध कोई दे ही नहीं सकता, वो कुर्बानी हम दे रहे हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वक्त गांधी के लीडरशिप में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जाहिर है उनकी विचारधारा अलग अलग थी, एक अलग सोच के भगत सिंह थे, लेकिन वो अपनी सोच को इस देश में इंकलाब जिंदाबाद का नारा तभी, ये बता रहा हूँ, उसके बाद ही पॉपुलर हुआ, उससे पहले नहीं था। और उसने ये युद्ध को बता दिया। और इसलिए भगत सिंह जो है वो आज हमारा एक इतिहास में एक लेजेंड बन गया है, युद्ध का एक बहुत बड़ा लेजेंड बन गया है। तो हमें आज जब हम उनकी बातें करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, राष्ट्रीय निर्माण के चरित्र
में भागीदारी की बात करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे हम इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय ले लेकर के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।